13.1 का क्वेश्चन नंबर पहला लिया हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो घन को जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना दिया है 64 सेंटीमीटर का, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलों के मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाप का पृष्ठ तल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग घन घनाप क्लास 9th में पढ़ चुके थे, फिर भी यहां पे मैं बता दूंगा कौन सी फॉर्मूला क्या लगने वाला है। तो पहले दो घन दिया है ना, घन का क्या दिया है, आयतन दिया है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो घन का हमको क्या दिया है बताओ, घन का आयतन, मतलब क्या होता है सूत्र बताओ, आयतन क्या होता है, ए क्यूब एक्स क्यूब कुछ भी हो सकता है, मैंने उसकी जो लेंथ को एक्स मान लो, लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर जिसका होता है उसको क्या कहते हैं, घन। जैसे कि एक फिगर बनाते हैं, मैं देख लो, ये हमारा कौन है, घन है, ठीक ना। ये मान लेते हैं इसको क्या माना मैंने, लेंथ, ठीक। यहां से ये दूरी को मैंने क्या मान रहा हूं, ब्रेथ, और यहां से ये वाले को हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है वो घन होता है। तो कहने का मतलब L बराबर B बराबर क्या होता है, H, उसको क्या कहते हैं, घन। अब बताओ हमको तो लेंथ पता नहीं है, ना तो ब्रेथ पता है, ना तो हाइट पता है क्या। तो मान लेते हैं हम लेंथ को x, l बराबर कितना माना मैंने, तो ब्रेथ भी कितने हो जाएंगे, x, h भी कितने हो जाएंगे, x, क्योंकि तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। ये समझा कि नहीं बताओ, माना ना। तो बताओ वॉल्यूम घन का आयतन तब कितने हो जाएंगे, L इंटू बी इंटू एच होता है, कहने का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो मैंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को कितना माना, X, तो X इंटू X इंटू X, तो कितने हो जाएंगे, एक्सेस क्यूब। ये समझ में आ गया। आप देखो वॉल्यूम हमको कितना दिया है, तो मैंने यहां पे एक सेंटीमीटर मान लो, तो X क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तीन बार सेंटीमीटर इंटू करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब होंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मींस आप लोग हिंदी में लिखिएगा प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मींस यहाँ पे हिंदी में क्या लिखिएगा, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में घन की आयतन कितनी दिया है, एक घन का, तो एक घन का आयतन कितनी है भाई, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और हमको मिल चुका कितनी, एक्स क्यूब। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स क्यूब बराबर 64, ये लिख सकता हूं कि नहीं। अब बताओ एक्स बराबर तो कितने हो जाएंगे, अंडर रूट 64, तो रूट 64 से कितने निकलेगा, 4, क्योंकि 4 × 4 × 4 होंगे, 3 है ना, समझ में आया, यहां पे 3 होती है ना, 3 था, तो 4 निकल के आ गया, 4 क्या हो गया मेरा, सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब लेंथ भी कितने हो गए, ब्रेथ भी, हाइट भी, तो x बराबर जो 3 आया उसका मान कितनी आ चुका, 4। तो कहने का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब कितने हो गया, 4। अब क्या कह रहा है, और एक घन लिया है, और एक क्या लिया, लिया है घन, घन को कोर की ये जो लेंथ बराबर जोड़ दे रहे हैं, लेंथ के बराबर जोड़ दे रहे हैं, तो आगे एक्सटेंड कर देते हैं इसी को, समझ रहे हो बात, इसको क्या कर दे रहा हूं मैंने, जोड़ दे रहा हूं। ये समझ में आया कि नहीं, और एक घन को मैंने जोड़ दिया, ठीक। अब बताओ ये नया चीज जो बन गया ये घन रहेगा क्या, घनाभ बन जाएगा, दो घन को जब जोड़ोगे घनाभ बन जाएगा। क्यों घनाभ बन जाता है, घनाभ में क्या अंतर है, घन और घनाभ में अंतर यह है, घन में क्या था, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या था, बराबर, लेकिन घनाभ में क्या हो जाएगा, तीनों बराबर नहीं होंगे, जो भी कोई भी एक क्वांटिटी चाहे दो क्वांटिटी बदल जाएंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट कोई भी एक बदल जाएंगे। तो इस केस में देखो कौन बदल जा रहा है, देखो ये जब पूरे ठोस जो दिख रहा है हमको यहां से लेके यहां तक दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, लेकिन इसका देखो ये लेंथ बढ़ गया कि नहीं, लेकिन ये ब्रेथ मतलब चौड़ाई वाला तो जितना यहां पे भी है उतना यहां भी है, ऊंचाई यहां पे भी जितनी है यहां पे भी उतनी है, यहां पे भी उतना ही है। तो बताओ ऊंचाई चौड़ाई में कोई अंतर आया क्या, तो किस में अंतर आ चुका है, लेंथ में।
तो ये नया चीज क्या बन गया मेरा, घनाभ। तो आप घनाभ का लिखते हैं, इसको रब कर देते हैं, घनाभ का क्या निकालते हैं हम लोग, घनाभ का पहले घनाभ का लिख लेते हैं, पहले घनाभ का क्या निकाल लेंगे हम लोग, घनाभ का पहले लेंथ, मतलब लंबाई लिखिएगा आप लोग, लेंथ कितने हो जाएंगे बताओ, ये कितनी था 4, ये भी कितने हो गया, तो टोटल मिलाओगे तो 8 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि नहीं, घनाभ का ब्रेथ तब कितने हो जाएंगे, ये कितनी है 4, तो ये 4 सेंटीमीटर। घनाभ का हाइट कितने होंगे बताओ, 4 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। अब देखो घनाभ का क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कितने पृष्ठ होंगे, कितने पृष्ठ होते हैं 6, क्योंकि देखो ये वाला सामने वाला थोड़ा सा देखना बाहर की तरफ है, एक पृष्ठ इधर पे अंदर में एक ठो है, इस साइड में एक ठो है, फिर इस साइड में एक ठो है, एक ऊपर में है एक नीचे है, समझ रहे हो। तो कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ है। अब एक एक पृष्ठ को देखने में कैसे है, आयत है, आयत, ठीक ना। तो आयत का क्षेत्रफल की सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप ले लो इधर वाले को, बाहर वाले को, बाहर वाले का क्षेत्रफल क्या होंगे, ये कौन है पूरा यहां से लेके ये तक लंबाई, और ये वाली कौन है चौड़ाई नहीं है ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, एल इंटू एच। इसी प्रकार पीछे साइड में भी है कि नहीं, तो कितने एल एच हुआ, 2 एल एच, समझ पा रहे कि नहीं, 2 एल एच, ये समझ में आ गया। आप इस साइड में आ जाओ, इस साइड में ये क्या है, बी है, ये कौन है एच है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बी एच, इस साइड में भी बी एच, तो कितने बी एच है 2 बी एच, तो इसके साथ प्लस कर दो 2 बी एच, समझ में आ गया। इसके बाद और कौन रह गया बताओ, ये वाला तो हो गया, इधर ऊपर वाले में देख लो, हाँ ऊपर वाले को देख लो, थोड़ा सा ऊपर वाले देखो कौन है, ये कौन है, और ए वाली कौन है, चाहे ये पकड़ो चाहे ये पकड़ो, ये कौन है ब्रेथ है, तो एल इंटू बी, तो नीचे भी एल इंटू बी, तो कितने एल इंटू बी है 2 एल इंटू बी, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, 2 कॉमन ले लोगे तो एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, ये होता है सूत्र किसका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल का सूत्र क्लियर हो गया, कैसे निकाला जाता है। अब देखो हम निकालते हैं घनाभ का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल, मैंने टीएसए लिख रहा हूं, टीएसए मींस टोटल सरफेस एरिया, इसका हिंदी का मतलब क्या है, संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल की सूत्र क्या हुआ, 2 एल बी लिखो, एल बी पहले भी लिख सकते हो, प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। ये देखो क्षेत्रफल है तो यूनिट क्या होने वाले हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पे लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या करोगे, 2 एल का वैल्यू कितनी है 8 इंटू बी का वैल्यू कितनी है 4, इतना तक समझ में आ गया, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4, एच का भी वैल्यू कितनी है 4, प्लस एल की वैल्यू 8 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना तक सबको समझ में आ गया कि नहीं, आ गया। आप क्या करोगे, 2 है, 8 चरे कितनी है 32, 4 चरे 16, 8 चरे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। 2 ब्रैकेट के अंदर कितनी हो जाएंगे, 32 दुने 34 ए 64, 64 10 74 4 78, इतना क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको इंटू कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 8 दुने 16 6 7 1 7 दुने 14 1 15, 156। एक मिनट, कहीं इंटू करने में गलत हो गया क्या, यहाँ पे 14 नहीं होंगे, यहाँ पे कितने होंगे 16 होगा, ठीक ना। तो 16 होंगे तो ये तब कितने बन जाएंगे 80, तब ये कितने हो जाएंगे 160, समझ में आया कि नहीं। तो हमको जो पूछा था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल कितना हुआ 160, तो क्या किया मैंने, पहले जो हमको देखो घन दिया था ना, घन का वॉल्यूम से क्या निकाला, उसकी लेंथ निकाल ली है,
लेंथ निकाल लिया, फिर जोड़ दिए, जोड़ देने के बाद जो घनाभ बन गया उसका लेंथ कितना हो गया, ये चार था आठ हो गए। लेंथ में खाली अंतर आएंगे, ब्रेथ और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आएगा। उसके बाद जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला निकालने का तरीका समझ में आ गया ना, बस उसमें पुट कर दो, हो गया क्लियर।